हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारी रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आंवले की कलौंजी बनाने जा रही हूँ। और ये आधा किलो आंवला है जिसे मैंने 2-3 पानी से धो लिया है। पानी को आप गर्म करके ही आंवले को धोइए। गर्म पानी से आंवले बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में आंवले बहुत अच्छे मिलते हैं। हमें आंवला किसी न किसी रूप में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। आंवले में आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो चलिए हम इसे कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। आंवले को उबालने के लिए हमने कुकर लिया है और कुकर में हम आंवला डाल देंगे और इसमें 1 गिलास पानी, थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच नमक डालकर कुकर बंद करके 2-3 सीटी लगाएंगे। दोस्तों, आंवले में हल्दी डालने से आंवले का कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमें आधे चम्मच हल्दी डालना है और 1 चम्मच नमक। ये देखिए, आंवले में मैंने 3 सीटी लगा ली है और ये देखिए आंवले की पाकिया अलग अलग हो गई है। अब हम आंवले को निकाल लेते हैं। ये देखिए, आंवले को मैंने कुकर से निकाल लिया है। अब इसकी ये बीज को हम निकाल के अलग कर देंगे। ये सारी पाक गरम गरम ही निकाल लेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे सारे आंवले हम ऐसे ही इसकी अलग अलग पाक कर देंगे इसकी। ये देखिए, सभी आंवले के बीज को मैंने निकाल लिया है। अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। ये देखिए, कढ़ाई हमने रख दी है। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है और तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम 2 चुटकी हींग डाल देते हैं। आधी चम्मच कलौंजी डाल देते हैं। 1 चम्मच सौंफ, खट्टी मीठी चटनी में सौंफ जरूर डालिए। सौंफ से बहुत अच्छा स्वाद फ्लेवर आता है। और इसमें हम ये और इसे हम मिला लेते हैं। आमलों को हमने 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब इससे हम आधे चम्मच काला नमक डालेंगे। नमक आप ध्यान से डालिए, उबालते समय भी हमने नमक डाला है। आधे चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसालों को चलाते हुए हम अच्छे से मिला लेते हैं और 2-3 मिनट के लिए हमें आमले को भूनना है। मसाले के साथ हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। 2-3 मिनट हो गए आमलों को भूनते हुए। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं। गैस का फ्लेम लो करके हमें आमलों को ऐसे मैश करना है। हमें सारे आंवले मैश नहीं करने हैं, इसमें से थोड़े बहुत आंवले को मैश करना है। आप मैशर की सहायता से भी मैश कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ आंवलों को मैंने मैश कर दिया है और कुछ आंवले ऐसे साबुत हैं। मैश करने से होगा क्या, ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और 8-10 ये काले मिर्च है जिसे कूटकर इसका पाउडर बना लिया है। 1-2 मिनट चला के इसे भी भून लेते हैं अच्छे से। मसाले को अच्छे से मिला के भून लिया है। अब इसमें ये 250 ग्राम गुड़ है और इसमें डाल देते हैं। और ये 150 ग्राम के लगभग चीनी है, इसे भी डाल के मिला लेते हैं। आधा गुड़ और आधी चीनी डालकर जब हम चटनी बनाते हैं ना, तो चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। आप चीनी की जगह मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला थोड़ा कसैला होता है, तो इसमें आप चीनी या गुड़ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर देंगे, जिससे कि बच्चे भी बहुत आसानी से खा सकते हैं। आंवला बहुत फायदेमंद है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारी आंखों के लिए और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आंवला सर्दियों में ही मिलता है, तो आप जरूर बना के खाइए किसी न किसी रूप में। और ये जो आंवले का पानी था जो हमने उबाला था, वो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा और इसे भी मिला लेते हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पे ही 5-7 मिनट के लिए ढक के पकाते हैं।
ये देखिए दोस्तों, 5-7 मिनट हो गए मुझे आमले को पकाते हुए अच्छे से। और ये देखिए चटनी बनके तैयार है। और ये देखिए कितनी गाढ़ी बनी हुई है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, आंवले की चटनी बनके तैयार है। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस चटनी को एयर टाइट डब्बे में, जार में, या कांच का हो या प्लास्टिक का हो, किसी में भी बंद करके रख दीजिए फ्रिज में। ये 3-4 महीने आराम से चलेगी। देखिए दोस्तों, चटनी हमारी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है और खाने में भी उतनी टेस्टी है। आप जब भी चटनी निकालें, सूखे चम्मच से ही निकालें, तो जिससे आपकी चटनी ज़्यादा दिनों तक चलेगी और ख़राब भी नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर अब हम मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।